हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्ले स्टोर में से अपनी आईडी लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, अपनी आईडी से लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो यहां पे आपका जो भी जीमेल आईडी होगी शो कराने लग जाएगी, तो आप देख लीजिए। इसके बाद आपको जाना है बैक और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में ओपन करनी है अपने मोबाइल की सेटिंग्स। तो मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट्स। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं अकाउंट नाम से, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरे या तीसरे नंबर पे लिखा होगा, मेरा पहले नंबर पे लिखा हुआ है, आपका नीचे भी लिखा हो सकता है, गूगल लिखा होगा, आपको गूगल पे क्लिक करना है। और गूगल पे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी आ जाएगी जो आप लॉग आउट करना चाहते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा मोर, और फिर रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है और रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आर यू श्योर, तो आपको ओके कर देना है और ताकि दिक्कत ना हो। और अगर आपसे पैटर्न लॉक पूछता है तो पैटर्न लॉक डाल दीजिए। तो मैं पैटर्न लॉक डाल देता हूँ और यहाँ पे मेरी आईडी जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो अगर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ तो प्ले स्टोर ये नहीं लेगा, आईडी लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे आईडी लॉगिन करने के लिए कह रहा है साइन इन का ऑप्शन, और ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें।